गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज ना इवनिंग में एक वेडिंग फंक्शन है जो मैं अटेंड करने वाली हूँ, एंड सो आई थॉट आज कुछ हेयर पर ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज इस चेंजिंग वेदर में हेयर की बैंड बच चुकी है, हेयर इतने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, फ्रीजी है, एंड स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी मैं फेस कर रही हूँ। कोई शाइन नहीं है हेयर में, कोई बाउंस नहीं है, सो ये एकदम परफेक्ट टाइम है हेयर ट्रीटमेंट करने की। और इस हेयर की जो हालत है इसको लेकर तो मैं वेडिंग फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती। पहले मैंने सोचा था कि मैं पार्लर जाऊंगी और पार्लर में कोई हेयर स्पा या हेयर ट्रीटमेंट करूंगी, बट ट्रस्ट मी, पार्लर जाने में एक तो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, क्योंकि एक हेयर स्पा के लिए भी इतना टाइम लगता है, पूरा दिन वहीं पर चला जाता है, एंड उसके ऊपर तो पैसे, इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन मैंने ना एक हेयर पर ट्रीटमेंट किया था, वो भी घर पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तभी मैंने मन बना लिया था कि मैं आज पार्लर नहीं जाऊँगी और मैं आज घर पर वही हेयर ट्रीटमेंट करूँगी और आप लोगों के साथ जो रिजल्ट है वो मैं शेयर करूँगी। ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर होता है, एंड इसमें बिल्कुल पार्लर में जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, हीटिंग वगैरह सब आप कर सकते हैं, वो भी घर पे, कोई हीटिंग डिवाइस बिना इस्तेमाल किए। सो दैट इज सो एक्साइटिंग, सो अमेजिंग। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज का मेरा ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आज मैं अपने हेयर पर करने जा रही हूँ एक हेयर ट्रीटमेंट, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी लॉरियल पैरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल स्टीम मास्क। एंड You won't believe, ये इंडियन मार्केट में पहला एक स्टीम मास्क है which comes with self heating cap, जिससे कि आपके हेयर पर वो नरिशमेंट पूरा मिलता है। सो इससे मैं आज अपने हेयर पर ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। सो बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग एक हेयर ट्रीटमेंट है। आजकल के बिजी शेड्यूल में ना इस तरीके की चीज़ें ही काम आ जाती हैं। दिस इज़ सो अफोर्डेबल। ये इसमें ना दो स्टेप्स मिलते हैं, एक है हेयर क्रीम मतलब हेयर मास्क, एंड नीचे है वो सेल्फ हीटिंग कैप। तो इन दोनों को मिलाकर जो प्राइस है वो है जस्ट 399 रुपीज़। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन ना कोई भी हेयर ट्रीटमेंट या हेयर स्पा वगैरह करने से पहले आपको अपने हेयर को शैम्पू करना है, क्लीन करना है अच्छी तरीके से, एंड मैं ये एंटायर रेंज को ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, बिकॉज पार्लर में भी जब हम लोग कुछ हेयर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एंटायर रेंज को ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैं पहले शैम्पू करूँगी लॉरियल पैरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल शैम्पू के साथ, एंड मैं कंडीशनर जनरली इस्तेमाल करती हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल कंडीशनर ही इस्तेमाल करती हूँ, बट आज मैं कंडीशनर नहीं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि आज मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ स्टीम मास्क। शैम्पू करने से पहले मैं अपनी हेयर कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यू ऑल कैन सी हेयर इतने ज़्यादा फ्रिजी हो चुके हैं, एंड स्पेशली एंड्स पर तो जान ही नहीं है, एंड स्प्लिट एंड्स इतनी ज़्यादा है ड्यू टू स्टाइलिंग एंड ऑल, और बहुत सारे मुझे हेयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं आजकल, तो हेयर में वो शाइन, वो बाउंसीनेस ही नहीं है। सो चलिए इस ट्रीटमेंट को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शैम्पू करूंगी यूजिंग लॉरियल पैरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल शैम्पू। सैलून में हेयर स्पा की जो खासियत होती है वो है कि वो हीट रेडिएशन देते हैं, जो मास्क लगाकर वो जो हीट देते हैं ना, उससे जो भी मास्क में प्रॉपर्टीज है वो पूरा नरिशमेंट आपके हेयर को मिलता है, ईच स्ट्रैंड को मिलता है। तो वही ट्रीटमेंट मैं घर पे करने जा रही हूँ विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ हीटिंग कैप है। तो ये ना आप जब हेयर मास्क को अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको एक बन बनाना होता है एंड इस हेयर कैप को वेयर करना है। तो इसके अंदर जो सेल्फ हीटिंग प्रॉपर्टी है एंड इस हेयर मास्क के अंदर जो भी एसेंशियल ऑयल्स है वो डीपली पेनिट्रेट करता है आपके ईच हेयर स्ट्रैंड पर, और वो नरिशमेंट पहुँचाता है फ्रॉम स्कैल्प टू हेयर टिप्स तक। तो बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटिंग चीज़ है ये, और मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लगे इसके रिजल्ट्स। ये लॉरियल पैरिस का एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। इस सैशे की दो पार्ट्स है। पहला जो स्टेप है वो है नरिशिंग हेयर मास्क, जिसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, काफ़ी नरिशिंग है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एसेंशियल ऑयल्स होने की वजह से हेयर में वो शाइन ऐड करता है, हेयर को बाउंसी बनाता है, और जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, वो प्रोवाइड करता है। मैं अपने हेयर को दोनों सेक्शन में डिवाइड कर लूँगी, और अपर सेक्शन में मैंने इस तरीके के एक बन बना लिया है, और फिर मैं लोअर सेक्शन में जो हेयर मास्क है उसे मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपको अलग अलग सेक्शन में हेयर को डिवाइड करना है और ईच हेयर स्ट्रैंड पर अच्छी तरीके से इस हेयर मास्क को अप्लाई करना है। मैं अपने एंड्स पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरे एंड्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, एंड स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी मैं फेस कर रही हूँ। दैट्स वाई मैं अपने एंड्स पर ज़्यादा फोकस करते हुए हेयर मास्क को अप्लाई कर रही हूँ।
आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और फिर अपने हेयर पर अच्छी तरीके से इसे अप्लाई करना है ताकि जो नरिशमेंट है वो अच्छी तरीके से आपके हेयर को मिल पाए। इस हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट को आप वीकली एक बार कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं तो 10 दिन में एक बार भी इसे कर सकते हैं। ये आपके हेयर को 97% स्मूदर बनाता है। नेक्स्ट मैं अपने हेयर को ना एक बन में इस तरीके से टाई कर लूँगी अच्छी तरीके से, और आप चाहते हैं तो एक क्लिप से सिक्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक क्लचर इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर मैं अपने बन को इस तरीके से सिक्योर कर लूँगी एंड मैं ये सेल्फ हीटिंग कैप को पहन लूँगी। इस तरीके से एक भी हेयर स्ट्रैंड या फिर हेयर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छे से आपको इसे अप्लाई करना है एंड जस्ट 5 मिनट। उस 5 मिनट के दौरान मैंने पहले 2 मिनट थोड़ा सा मसाज किया है अपने हेयर पर, और ये जो मसाज है ना ये बहुत रिलैक्सिंग था। एंड इस हेयर कैप में ना कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड फिर आपको नॉर्मल पानी से इसे वॉश करना है एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum। इसे मैंने काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर लिया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये सिरम ना आपके हेयर को और भी ज़्यादा मैनेजेबल बना देता है एंड फिर मैं इसे अपने हेयर पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी एंड यू कैन सी इंस्टेंटली मेरे हेयर पर एक शाइन, एक बाउंस आ गया है। ये जो हेयर स्मूदनिंग ट्रीटमेंट है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं कोशिश करूँगी इसे मैं वीकली एक बार तो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज दिस जस्ट टेक्स लिटरली 5 मिनट्स एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। सो गाइस, मेरा जो कंक्लूजन है और जो रिज़ल्ट है वो आप सबके सामने ही है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर घर पे, वो भी 400 रुपीज़ के अंदर आपको इतना अच्छा एक प्रोफेशनल हेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो आई थिंक यू ऑल शुड गो फॉर दिस वन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ये मैं सेकेंड टाइम इस सैशे को इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये जो स्टीम मास्क है दिस हैज़ बिकम माई गो टू हेयर ट्रीटमेंट, क्योंकि एक तो ये टाइम सेविंग है, दूसरा पॉकेट फ्रेंडली है, तीसरा है कि आप इसे इंस्टेंटली कर सकते हैं, पार्लर अपॉइंटमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आप घर पे किसी भी वक्त इस सैशे से अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी का भी। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट और ये एकदम ऑन द गो है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैरी भी कर सकते हैं। हेयर पर जो इफेक्ट है इसका वो अमेजिंग है एंड इंस्टेंट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये अच्छा है एंड हेयर पर कोई डैमेज भी नहीं होगा। हेयर को इतने अच्छे तरीके से ये रिपेयर करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बाउंस ऐड करता है एंड ऑल द गुड थिंग्स जो कि आप मेरे हेयर पर देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट मुझे अपने व्यूअर्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।